हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, हम यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये आर्मी में हो रही है, इंडियन आर्मी में हो रही है। तो गाइस, जो कैंडिडेट्स राजस्थान में रहते हैं तो अभी उनको गाइस देर नहीं करनी है, तैयारी चालू करनी है, क्योंकि यहाँ पे आई है बम्पर भर्ती इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप 8वीं पास हो या आप 10वीं पास हो या आप 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर शामिल हो सकते हो, हिस्सा ले सकते हो। क्योंकि गाइस, यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है रैली की और ये जो रैली होने वाली है 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2019, इन बीच में होने वाली है। और अंतिम डेट की यहाँ पे बात किए जाए तो 20 मई 2019 इसकी अंतिम डेट है गाइस। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे 10 दिन पहले, जैसे इन्होंने बताया था कि अभी 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई, तो आप मान के चल लो गाइस, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख के बाद आएंगे, जून के 20 तारीख के बाद। तो आप एक काम करो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि आपको आपके जो एडमिट कार्ड है किस प्रकार डाउनलोड करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए और देखते आज का नोटिफिकेशन जो निकल के आ रहा है राजस्थान में। गाइस, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, एक वेबसाइट है, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो आर्मी रैली राजस्थान जो बल्कि जोधपुर में है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए हो रही है गाइस, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, फिर उसके बाद सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए हो रही है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, बात करते हैं सोल्जर टेक्नीशियन, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे पद हैं यहाँ पे। तो इसके जो आवेदन है वो 6 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अंतिम डेट की बात की जाए तो 20/5/2019, आपके पास बहुत समय मिल रहा है। आपकी जो रैली है 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में होगी। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया, अगर आपको सोल्जर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आप 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तरफ से, जिसमें आपके 50% बन रहे हैं। सोल्जर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 12वीं पास और उसके साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है इंजीनियर में तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। सोल्जर नर्स असिस्टेंट के लिए 12th पास 50% होने चाहिए, या आपने बीएससी किया है बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी या एंड इंग्लिश से, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप 10वीं पास हो 45% के साथ तो भी आप इस भर्ती के लिए ज़रूर शामिल हो सकते हो। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे सिर्फ गाइस 8वीं पास, और सोल्जर क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए। तो गाइस, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फिर आपकी चेस्ट जो है 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप हमारे होम स्क्रीन के देख रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे आपकी सबसे पहले रनिंग होगी जो बल्कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, आपको 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पुलअप्स लगाने आपको 10, जिसमें आपको 40 मार्क मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको 9 फिट का वहाँ पे कूदना है, ठीक है। फिर जिगजैग जो बैलेंस होता है वो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो गाइस, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। ये जोधपुर में हो रही है। तो गाइस, ये बहुत खुशखबरी है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे वापस से एक बार भर्ती निकाली है। तो जितना जल्दी हो सके आपको आवेदन करना है। आवेदन की ये जो लिंक है इंडियन आर्मी की, हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, तो बस आपको यहाँ पे आना है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो स्टेट होगा यहाँ पे आपको डालना है, जो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे मान के चलो अभी ये जो वैकेंसी राजस्थान में हो रही, तो मैं यहाँ पे राजस्थान डालूँगा। आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे
खुद का नाम, मम्मी का नाम, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो सब डाल के आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है